ओ भाई क्या बात है यार, ये देखो, वाओ। हाय एवरीवन, दिस इज अजा साकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है ना भाई, टोटली डिफरेंट रहने वाला, और अच्छी बात है क्योंकि हर दिन एक टाइप का वीडियो देखते कि आप लोग भी बोर ना हो जाए, इसलिए आपका भाई हर रोज़ नए टाइप का वीडियो लेके आता है। सो आज का जो वीडियो है ना भैया, ये रहने वाला है हमारी तीनों गाड़ियों पर, अपने हैरियर हो गई, बाइक हो गई या फिर अपनी सेंट्रो, और तीनों गाड़ियों की इतनी बुरी कंडीशन है ना, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, मतलब बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी। और ये देखो, अब लॉकडाउन चल रहा है तो सर्विस सेंटर तो क्लोज़ है, ये सर्विस सेंटर भी क्लोज़ है, बट आज के दिन के लिए ये आपके भाई के लिए ओपन है, क्योंकि आज मैं खुद अपनी तीनों गाड़ियों को वॉश करने वाला हूँ। और उसके बाद भाई आप लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं कौन सी गाड़ी यूज़ करूँ, हैरियर, बाइक या फिर सेंट्रो। जहाँ तक मेरा कल का एक्सपीरियंस है ना, अपने व्लॉग मीन्स मोटो व्लॉग वाला, तो मुझे लग रहा है भाई बाइक पे जो मज़ा है ना, मतलब अगर कहीं दूर जाओ, लॉन्ग राइड पे जाओ, जैसे लद्दाख चले जाओ या श्रीनगर वगैरह या कहीं भी हिमाचल वगैरह, तो उसके लिए तो हैरियर ठीक है। बट अगर आपने सिटी में व्लॉग करना है और हर जगह पहुंचना है, जैसे मतलब कल का जो मेरा व्लॉग है वहाँ पे ऑफ रोडिंग मैंने करा था, वहाँ पे गाड़ी का जाना तो मुमकिन नहीं था, तो बाइक पे। और दूसरे क्या है ना, बाइक के आगे माउंट करके आप गोप्रो को अच्छे से दिखा सकते हो सब कुछ, और एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। वो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी उसे ज़्यादा पसंद करोगे। सो देखते हैं, फिर भी आप मुझे बताना मैं हैरियर से व्लॉग करूँ या सेंट्रो से। और सेंट्रो का जो मैक्सिमम मेरा व्लॉग रहता है वो यही रहता है, मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ कोई सामान लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, कभी मार्केट में वगैरह वगैरह, मतलब छोटे मोटे जो भी काम है किसी से मिलने मिलने का, तो वो सारे मेरे आज के पहले जो भी व्लॉग हैं वो सारे मेरे रहे हैं सेंट्रो पे। सो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपने हैरियर को वॉश कर लेते हैं। और अभी हम आए हैं एएस कार सैलून, एएस एजाज साकी भी समझ लो। सो चलिए तो भाई वॉशिंग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, हम गाड़ी का अंडरबॉडी कर लेते हैं, क्योंकि अंडरबॉडी में बहुत ज़्यादा मिट्टी और कचरा फंसा हुआ है। और उसके लिए क्या करेंगे, हम गाड़ी को लिफ्ट करेंगे। कैसे लिफ्ट करेंगे देखना। वाओ, ओके बस। तो भाई इस चीज़ के बिना ना आप गाड़ी की अंडरबॉडी कभी भी वॉश नहीं कर सकते, और देख लो हालत, देखो गाड़ी की, और ऐसी कंडीशन में गाड़ी कभी भी ना रखो, क्योंकि गाड़ी की अंडरबॉडी अगर क्लीन है तो समझ लो आपकी गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी। सो अब क्या काम करते हैं, हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं वॉशिंग का। तो भाई अंडरबॉडी प्रॉपर वॉश हो गया, अब हम कार को कर लेते हैं नीचे। तो आप देख सकते हो भाई, अभी मैंने खाली पानी मारा है प्रेशर से, और मेरी गाड़ी जो है वो 90% क्लीन हो गई है। अब हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं फोम, और ये वॉशिंग में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ओ भाई क्या बात है यार, ये देखो, वाओ। तो पूरी कार पे हमने फोम अप्लाई कर दिया, और भाई ये देखो, वाओ। और अब हमने इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमने सिंपली इस पर पानी से वॉश कर लेना। ओके सो गाइस, ये वाला तो हमारा हैरियर हो गया कंप्लीट, देख ही सकते हो भाई एकदम से मस्त, और टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं लगा, बट मेरे कपड़े पूरे गिल्ले हो गए। और अब हमारी टर्न है बाइक की, अब अप्लाई करते हैं इस पर फोम, और ब्लैक बाइक पे वाइट फोम का तो भाई मज़ा ही अलग है। देखा भाई, ये है फोम का कमाल, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि भाई व्लॉग के लिए थोड़ा खर्चा तो बनता है। तो भाई फटाफट कर लेते हैं इसको भी, सेंट्रो को भी, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, और बस जल्दी जल्दी करता हूँ इसको, क्योंकि मैं खुद भी थक गया हूँ भाई।
हमने तीनों गाड़ियों को वॉश कर लिया भाई, और हैरियर को भी, बाइक को भी, और सेंट्रो को भी। और अब मेरा मन कर रहा है भाई कि मैं मोटो व्लॉग करूं और बाइक से करूं, और उसके लिए या तो मुझे नई बाइक लेनी है या फिर अपनी इस बाइक को जो कि पल्सर 220 है इसको मुझे ठीक कराना पड़ेगा। और नई बाइक का तो अभी भाई कोई सीन बन नहीं रहा कि मैं नई बाइक ले पाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी बाइक को ठीक करा लेता हूँ, और नेक्स्ट कुछ पुंछ को, जब तक मैं पुंछ में हूँ तो पुंछ को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और नई नई अलग अलग लोकेशंस के, और मुझे भी लग रहा है कि वो जगह आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है जो आपने आज से पहले नहीं देखी है, और ख़ासकर हमारे पुंछ में। सो बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे या आप लोग चाहते हो कि भाई मैं कंटिन्यू वीडियो डालूं, तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। बाय।